देखिए गाइस, सुबह का मेरा रूटीन हो गया है शुरू। आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं अच्छे से फुर्सत से जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ। तो एक तरफ तो जो है मैं ब्रेड सेक रही हूँ और अपने लिए चाय बन रही है, फिर बच्चों को दूध कर दूंगी। चाय बनने के बाद गरम, और ये ब्रेड सेकने की तैयारी, बच्चों को भेजूंगी और मैं स्कूल, उनके पापा भी जाएंगे। ये ब्रेड सेक चुके हैं और ये चाय भी बन गई है। फटाफट चाय छान लेती हूँ और फिर करूंगी दूध गरम बच्चों के लिए। अभी चाय बन गई है, एक कप तो बिना चीनी की। अब इसमें मैं बाकी में चीनी डाल दूंगी और फिर इसको भी छान लूंगी दूसरे कप में चाय। इधर दूध गर्म होने लग रहा है बच्चों के लिए, चाय भी उबल गई, इसको भी छान लेती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे, वो फीकी चाय पीते हैं, मैं मीठी पीती हूँ, तो उनके लिए फीकी चाय पहले निकाल दी है, अब मीठी छानूंगी अपने लिए। कि आज गोभी के पराठे बना के दूंगी बच्चों को, लंच में स्कूल जाएंगे। तो ये गोभी मैंने घिस ली है और ये मैंने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची काट ली है, और थोड़ी सी मटर छील के भी, वो भी मैंने कूट लिया मटर के दाने। अब इनको मिक्स करके और आटा गूंद दिया है। अब फटाफट बनाती हूँ गोभी के पराठे। मेरा बेटा चिंटू हो गया है तैयार स्कूल जाने के लिए, अभी फटाफट जा रहा है। इसके पापा इतने चले गए हैं, पहले वो गाड़ी निकाल लेंगे, इतने सड़क पर खड़ी करेंगे। बाय बेटा। ये देखिए सारे पराठे बन के हो गए हैं तैयार, इसको भी उतार देती हूँ, इन्हें फटाफट दबा के रख दूंगी उठ के इसमें। अब कर देती हूँ सारी रसोई की सफाई, क्योंकि गंदी हो जाती है पराठे बनाते वक्त, तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है किचन। अब फटाफट सारी साफ सफाई कर दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है मेरे लिए तो है आज छुट्टी का दिन, क्योंकि आज मैंने तो कर रखी है छुट्टी। तो वैसे है आज थर्सडे और नहा धो के हो गई हूँ फ्री बिल्कुल। बच्चों के लिए सुबह अपने नाश्ता बना दिया, उन्हें नाश्ता खिला दिया, उन्हें लंच वंच पैक करा के बच्चे भी चले गए, उनके पापा भी चले गए हैं। तो अब जो काम बचा था वो करके काम सारा फिनिश, और अब मैं भी हो गई हूँ फ्री नहा धो के। तो अभी तो यह दोपहर भी नहीं हुई, 11 बजे हैं अभी, तो काम सारा फिनिश हो गया है। ठंड आज है काफ़ी, तो धुंध हो रहा है बाहर भी, तो लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर का। अब 2-3 दिन बाद हमारी भी छुट्टी पड़ जाएंगी स्कूलों की, तो फिर भी मैंने जो आज की छुट्टी करी है ठंड की वजह से। तो अब जो है सारे काम से होके फ्री, अब एक बार छत पे ज़रूर जाऊंगी, छत पे जो है ना पेड़ पौधों को देखूंगी, उनमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी दे दूँगी, और फिर जो है अपना लंच करूँगी। लंच का समय भी हो रहा है स्कूल में, तो इतने बजे तक हम लंच कर लेते हैं। तो करती हूँ अपने खाने की तैयारी, डालना और खाना बना के तो रख ही दिए थे। आज सुबह मैंने बच्चों को बना के दिए हैं गोभी के पराठे, तो आज छुट्टी थी तो सोचा कि आज इनको पराठे बना के दे दो, वरना और दिन तो सब्जी रोटी बनाती हूँ, हमें जल्दी जल्दी बना के अपने स्कूल के लिए जाना पड़ता है। तो आज इन्हें बढ़िया सा गर्मा गर्म पराठे खिलाए हैं गोभी के।
धूप का आज कोई भी नामो निशान नहीं है, तो ना तो कल धूप देखने को मिली ना परसों, और आज भी ऐसे ही मौसम है। तो अब तो यह है कि ऐसे ही मौसम रहेगा अब तो कई दिन तक, और 2-4 दिन और निकाल दें फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। फिर तो यह आराम से घर में ही रहेंगे, ठंड ठंड इतना छुट्टी पड़ेंगी, इतने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने कंबल में घुसे रहेंगे और अपना काम करेंगे। और अपने शाम का समय हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर सब्जी लेने के लिए, और चिंटू आ गया है ट्यूशन से, वो टीवी देख रहा है। अंधेरा हो गया गली में। अंधेरा हो गया गली में। सब्जी लेने आ गया सड़क पे हम। गाजर भी लोगे क्या? गाजर खरीद लिया है, अब और देखते हैं और क्या क्या सब्जी लेंगे। कई सब्जी रखे हुए हैं। ये मैं आ गया शॉप पे सामान लेने के लिए। दे दो, सही से देना, ठीक है। देखिए जी, शॉप पे आ गई हूँ थोड़ा सामान लेने के लिए। बच्चों ने सामान मंगाया था तो सब्जी भी ले ली है और साथ में सामान भी ले चलती हूँ केक शॉप पे आकर। चिंटू तो लेटा हुआ है बिस्तर में, और चिंटू कंबल में लेट के टीवी के मजे ले रहा है चिंटू तो। और ये ले आई हूँ सब्जी, गाजर ले आई हूँ हलवे के लिए, गाजर का हलवा बनाऊंगी कल और सब्जी बनाऊंगी। चिंटू गाजर के लिए आई हूँ बेटा, गाजर के हलवे के लिए, ठीक है। तो अब ले आई हूँ, और अब जो है ना दूध लाने का और काम रह गया। कल तो चिंटू ले आया था लेकिन आज ये बिस्तर में लेटा हुआ कंबल में, तो आज कह रहा है कि मम्मी आज आप ही ले आओ, तो मैं ही जाती हूँ डोली उठाती हूँ दूध की और जाती हूँ दूध लेने के लिए, और फिर जो है किचन का काम शुरू करूँगी, खाना बनाने की तैयारी। ये सब्जी वगैरह जो है वो छिलनी काटनी होंगी, तो पहले यह है कि बाहर का काम ख़त्म कर आती हूँ। तो किचन में चल के फटाफट उठाती हूँ दूध की डोली, दूध की डोली उठा ली है, अब चलते हैं फिर वापस। ये बाहर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, फिर रात हो जाएगी क्योंकि अब जल्दी दिन छिपने लगा। समय तो सिर्फ 6 बजे हैं लेकिन सर्दियों की वजह से रात हो जाती है जल्दी। आ गई हूँ अपने घर के पास, घर में भी आ गई अब। गेट बंद कर देती हूँ, दूध की डोली उठा लेती हूँ। सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ, तो डिनर में आज आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी। अब मटर छीलने लग जाती हूँ फटाफट, सब्जी छील काट लेती हूँ सारी,
और फिर छौकने की तैयारी करती हूँ सब्ज़ी की। ये रही मटर, हमने लगती हूँ छीलने के लिए। ये दूध छान दिया है, अब फटाफट गैस ऑन करके इसको गर्म होने के लिए रखती हूँ। इधर दूध उबल गया है, गैस मंदी कर देती हूँ। और ये मैंने सब्जी की देखिए सारी तैयारी कर ली है। ये प्याज छील काट ली, टमाटर, लहसुन और अदरक और आलू और ये मटर। तो आज अब बनाऊँगी मैं आलू मटर की सब्जी। तो फटाफट गैस ऑन करके रख देती हूँ कुकर। ये देखिए चिंटू को दूध दे दिया है सिपर में, क्योंकि सिपर में ही पीता है ये तो दूध। और इधर अब कुकर हो गया गरम, और इसमें तेल डाल देती हूँ। ये दूध अच्छे से उबल गया, अब गैस बंद कर देती हूँ इसके नीचे की। तेल गर्म हो गया है, अदरक और लहसुन डाल दूंगी इसमें। मसाले डाल देती हूँ इसमें, टमाटर देंगे तब उसको पकाऊंगी अच्छे से। मटर डाल देती हूँ इसमें, आलू डाल देती हूँ। अब ये सब्जी अच्छे से भुन गई है मसाले में, फटाफट अब इसमें पानी डाल देती हूँ। लगा दूंगी सीटी। ये सब्जी बन के हो गई है तैयार, देखिए। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। थोड़ा सा डाल दूंगी गरम मसाला इसमें। तो जी किचन का काम अधिकतर हो ही गया है, क्योंकि सब्जी बना दिया और आटा गूंथ के रख दिया और दूध उबाल दिया है। तो अब ये बच्चे अब खाने के लिए जब बैठेंगे रेडी होंगे तो मैं गर्मा गर्म इनको रोटी बना के खिला दूंगी। और चिंटू, चिंटू कहाँ गए थे बेटा आप? चिंटू गया था अपने लिए पेन खरीदने के लिए, क्योंकि इसको जो है जेल पेन चाहिए था।
और वो इसका पेन आज हो गया ख़त्म। तो यहीं पास में स्टेशनरी शॉप है, तो चिंटू गया था वहाँ पर। अभी अपना जो है होमवर्क करेगा और फिर जो है रात का डिनर करेगा। ठीक है, पहले खाना खाओगे या अपना होमवर्क करोगे? होमवर्क। ठीक है जी, अभी चिंटू तो लग गया अपना होमवर्क करने के लिए। चिंटू अपनी बुक्स डायरी ये निकाल रहा है, नोटबुक। किस सब्जेक्ट का काम करेगा चिंटू? SST का। कर लो। अब रोटी बनाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि अब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं बच्चे और उनके पापा। मैं गर्म गर्म रोटी बना देती हूँ। डिनर हो गया है रेडी, सब्जी बना दी है, रोटी और साथ में बूंदी का रायता। अब मैं देख के आती हूँ बच्चों को। देखिए जी, आज का व्लॉग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय।